हिसार जिले में अब रासायनिक खेती के खिलाफ गांव-गांव में लोग लामबंद हो रहे हैं। केंचुओं के जरिए जैविक खेती के लिए बड़े पैमाने पर पहल की गई है। सरकारी अफसर इस जैविक क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं। गांवों में किसान वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए और गोबर से खाद बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट खेती में अमृत का काम कर रहा है, बल्कि जहरीले केमिकल से निजात दिलाकर हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर लोगों के लिए यह बेहतर आजीविका का जरिया भी साबित हुआ है। जिले भर में 1050 वर्मी कंपोस्ट पिट बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह में 1000 महिलाओं समेत 2500 लोग इस काम में जुटे हुए हैं। मनरेगा में पिट्स तैयार करवाकर खाद बनाने के लिए किसानों और स्वयं सहायता समूहों को खाद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जनपद स्तर पर तैयार वर्मी समिति घर पहुंच खाद खरीद कर हितग्राहियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करती है। अतरसुमा गांव की छाया सोलंकी इसी तरह अपनी खेती को भी संवार रही हैं और आजीविका भी चला रही हैं। पहले भी अच्छी रहती, पहले मिट्टी में नमी नहीं रहती थी, इससे डालने से मिट्टी में नमी रहती। हमने 12 कुंटल बेच दिया और 12 कुंटल अभी घर है। हमारी जो धारा वर्मी समिति है वो जो हितग्राही इससे खाद का निर्माण करता है तो उसको वहीं घर पे ही जाके उससे खाद का जो है वो क्रय हमारी धारा वर्मी समिति कर लेती है और उसको उसके घर पे ही उसके खाते में ही पैसा हम ट्रांसफर करवा देते हैं। सुंदरेल में इलाके का सबसे बड़ा पशु हाट भरता है। यहाँ से निकलने वाला गोबर पहले नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन अब इससे वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पंचायत को आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलने लगे हैं। हम जो गोबर खाद सालाना जो इकट्ठा करते थे उसको इकट्ठा करके हम नीलाम कर दिया करते थे। धारा वर्मी धार द्वारा जो हमको प्रेरणा मिली है उसके बाद इस साल ही हमने इनका निर्माण किया है और उसका उपयोग अब हम इन पीटों में करने लगे हैं। जो किसान इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खेतों की मिट्टी उपजाऊ बनने से फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। केचुआ खाद डालने से पहले 5 क्विंटल उत्पादन आता था, पर इसको डालने के बाद में अब उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी होती जा रही है। जिले के सभी विकास खंडों की 13 शासकीय गौशालाओं में केंचुआ खाद बनाई जा रही है। सिंघाना की इस गौशाला में 90 गायों के गोबर से अब तक 20 क्विंटल खाद बनाई जा चुकी है। यहाँ वर्मी वॉश भी तैयार किया जा रहा है जो फसलों में जैविक पेस्टिसाइड्स की तरह इस्तेमाल होता है। वर्मी कंपोस्ट से इलाके में जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। आज धीरे धीरे हमने पहले 20 क्विंटल खाद हमने पहले राउंड में बनाई और वो किसानों को बहुत पसंद आई और अब इसकी बहुत तादाद में मांग है। तो शुरू से ही यहाँ पे जैविक के प्रति लोगों का रुझान है तो इसका अच्छा रिस्पांस है। करीब 10-12 कृषक अभी यहाँ से ले गए हैं किस खाद अपनी और प्रशासकीय तौर पर भी इसको हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। धुलेट गाँव के इस ग्रेजुएट किसान नीलेश चौधरी से मिली है। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट को ही अपनी भाग्य रेखा बना लिया है। खुद इस खाद के जरिए जैविक खेती करते हैं और किसानों को भी सप्लाई करते हैं। उन्होंने खाद बनाने की पूरी यूनिट अपने खेत में ही लगा रखी है। नीलेश ने ठान लिया है कि वो पंजाब की तरह जहरीले रसायनों की खेती से अपने इलाके को बचाएंगे, जिससे आज परिवार के स्वास्थ्य पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा केमिकल का और दूसरों को भी होगा तो अपनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और अभी हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट से लगभग 10 क्विंटल मंथली का खाद निकल जाता है। अभी इसको और प्रमोट करने के लिए अभी मनरेगा में हमको 200 का नया टारगेट मिला है, वो भी हम सब पंचायतों में कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए ईंटों का पिट बनाया जाता है जिसकी लागत 15,000 रुपए होती है। इसके अलावा प्लास्टिक के सस्ते पिट भी बनवाए जा सकते हैं, इसकी लागत महज 1200 रुपए है। सरकारी अमला गांवों की चौपाल तक पहुंच रहा है। ये अमला वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है।
गांव-गांव जा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जैविक खाद बनाने से क्या फायदे हो सकते हैं। खाद की खरीदी बिक्री के लिए हर जनपद पंचायत स्तर पर केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह बदनावर केंद्र का उद्घाटन भी कर चुके हैं। खाद की कीमत भी बेहद किफायती है, 40 रुपए का 5 किलो और 350 रुपए में 50 किलो। हमारा ये जो उद्देश्य है कि धीरे धीरे लोगों को रासायनिक उर्वरकों की तरफ से ध्यान हटा करके और उनको जैविक खाद की तरफ ले जाना है। धार जिले में रबी और खरीफ की दोनों फसलों में करीब 297 करोड़ के रासायनिक खाद की खपत होती है। मकसद है 10% तक इस बिक्री को घटाया जा सके। हमारे जिले में लगभग 297 करोड़ का केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है हर साल, और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि पहले साल में हम इसको 10% तक हम लोग रिड्यूस करें। जिला पंचायत के तत्कालीन CEO आकाश त्रिपाठी का 2003 में देखा गया सपना धार में अब साकार हो रहा है। यह सपना केंचुओं को किसान मित्र बनाकर अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। और वर्मी कंपोस्ट विश्व में उपलब्ध सर्वोत्तम जैविक खाद है, जिसमें न सिर्फ मुख्य 3 न्यूट्रिएंट NPK उपलब्ध रहते हैं बल्कि 13 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी स्वयं बढ़ती है उसमें, और उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और अन्य प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं वो नेचुरल वे में मिट्टी में होते हैं। कुल मिलाकर एक गरीब किसान के लिए, और वहाँ पे आदिवासी किसान भी है, ये एक बहुत अच्छा आय का साधन था। खेती को की उपजाऊ शक्ति जो है खेत की वो बढ़ती थी इसमें। जैविक खेती के फायदे: खेतों की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी, फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी। जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि, रासायनिक खादों के खतरनाक दुष्परिणामों से सुरक्षा, खेतों की मिट्टी मुलायम होने से नमी बनी रहती है, खेती के साथ पशुधन को बढ़ावा। जाहिर है रासायनिक खादों के बढ़ते इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। धारा वर्मी कंपोस्ट की ये मुहिम भविष्य में होने वाले बड़े खतरे से बचाने की रामबाण दवा साबित होगी।